स्टूडेंट्स क्लास फोर होप आर डूइंग वेल वेलकम यू ऑल इन योर ऑनलाइन मैथ्स क्लास इन टूडेज क्लास यू विल लर्न अबाउट वॉट इज़ पेरल एंड नॉन पैरल लाइन्स एंड एंगल्स एंड फर्दर वी हैव टू डू डेफिनेशन एंड एक्सरसाइज नंबर टू इन आवर नोट बुक सो ओपन योर नोट बुक ओके सो पेज नंबर हंड्रेड पे एक्सरसाइज नंबर टू जो है वो हम अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ प्रॉपर मार्जिन लाइंस एंड देन द डेट ऑफ टुडे फोर्टीन टू थाउजेंड ट्वेंटी द टॉपिक इज लाइन एंड फोकस इज एक्सरसाइज नंबर टू रेफरेंस इज बुक पेज नंबर हंड्रेड ड्रा द फॉलोइंग लाइंस यूजिंग अ रूलर एंड पेंसिल यानी आपने इस लेंथ की एक लाइन ड्रा करनी है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड रूलर ठीक है तो रूलर पर मैंने आपको जैसे बताया था कि सेंटीमीटर और इंचेस की लाइन होती है तो हमने सेंटीमीटर वाली साइड को यूज करके इस लेंथ की लाइन ड्रॉ करनी है तो फर्स्ट वन ए बी लाइन है इज इक्वल टू थ्री पॉइंट फोर सेंटीमीटर तो ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की है ये इसका ए पार्ट पॉइंट है और ये बी पॉइंट है ठीक है इसके दरमियान की लेंथ कितनी है थ्री पॉइंट फोर सेंटीमीटर इसी तरह आपने एक दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है उसका नाम है पी क्यू दैट इज इक्वल टू सेवन पॉइंट टू सेंटीमीटर तो इस लाइन की लेंथ कितनी है सेवन पॉइंट टू सेंटीमीटर तो पी क्यू मैंने एक लाइन ड्रा की है जिसकी लेंथ है सेवन पॉइंट टू सेंटीमीटर तो स्टूडेंट्स आपने अपनी नोटबुक में ऐसे ही नीट राइट करना है क्योंकि इस नोटबुक को आप प्रॉपरली कंप्लीट करोगे तो इसके मार्क्स आपके फाइनल में एड uh, होंगे स्टूडेंट्स दिस योर रूलर इसके एक साइड पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा सेंटीमीटर यानी cm, ठीक है और ये जो ब्रॉड लाइन होती हैं यहाँ पे ये होता है इंच तो हमने सेंटीमीटर की मदद से लाइन ड्रॉ करनी है ठीक है तो ये सेंटीमीटर यहाँ से स्टार्ट होके ये टेन लाइन जब कंप्लीट होती है तो वन सेंटीमीटर होता है तो हमने लाइन थ्री पॉइंट फोर की ड्रा करनी है कि यहाँ से वन टू थ्री और थ्री के बाद पे एक दो तीन चार इतनी लाइन हमने इसमें ड्रॉ करनी है तो अगर आप इसको ऐसे प्लेस करोगे बिल्कुल स्ट्रेट ठीक है तो ये देखें वन टू थ्री एंड थ्री पॉइंट फोर की ये लाइन है इसी तरह आपने सेम ये लाइन भी ड्रॉ करनी है ठीक है ये सेवन और ये टू छोटी लाइंस ओके और द प्रिपेयर द नेक्स्ट पेज फोर्टीन वन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इज योर डेट द टॉपिक इज पैरल एंड नॉन पैरल लाइन्स यानी अब हम समझेंगे कि पैरल और नॉन पैरल लाइन्स कौन सी होती हैं फोकस इज डेफिनेशन सो फर्स्ट है so first, यहां पे लिखा हुआ है लाइन्स यानी एस के साथ है इट मीन्स ये वन लाइन की बात नहीं हो रही ये एक से ज्यादा यानी कि टू लाइन्स की बात हो रही है तो दो लाइनों को आपस में कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि ये पैरल है या नहीं ठीक है तो डेफिनेशन है इसकी टू लाइंस इन द सेम प्लेन यानी दो लाइनें जिनकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल सेम हो एक ही तरफ से हो यानी लेफ्ट टू राइट हो या फिर अप टू डाउन हो तो इन द सेम प्लेन दैट आर एट इक्वल डिस्टेंस यानी दोनों लाइंस के दरमियान आपस में सेम डिस्टेंस हो एंड नेवर क्रॉस ईच अदर और एक दोनों को वो कभी भी जितना आगे आप उसको बढ़ाए वो क्रॉस ना करें आर कॉल्ड पैरल लाइन्स अब ये इसकी एग्जाम्पल्स है जैसे कि ये दो लाइन्स हैं अगर एक लाइन के आपसे पूछा जाएगा तो ये एक लाइन हॉरीजेंटल लाइन है तो ये दोनों हॉरीजेंटल लाइन जब एक दूसरे के सामने इस तरह ड्रॉ होंगी अब यहां का जो स्पेस है ये भी सेम है एक ही ब्लॉक है यहां से भी इसका स्पेस सेम है तो इसको जितना भी आप आगे करोगे ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी तो ऐसी दो लाइनें पैरल लाइन्स कहलाई जाती हैं ठीक है थीके? इसी तरह ये दो वर्टिकल लाइन जो है ये भी आपस में पैरल है यहाँ पर तीसरी एग्जाम्पल जो कि हॉरिजेंटल वर्टिकल तो नहीं है इसको डायगोनल लाइन कहते हैं जो तिरछी लाइन होती है लेकिन दो लाइनें हैं तो इट मीन्स ये भी पैरल है अब हम इसका अपोजिट लाइन्स बोलेंगे कि जो पैरल नहीं होती उसे क्या कहते हैं नन पैरल लाइन्स या फिर उसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स ठीक है टू लाइन्स डेट क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट यानी ऐसी दो लाइन है जो किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस करे एक दूसरे को काट दे आर कॉल्ड नन पैरल लाइन्स तो उनको नन पैरल लाइन्स कहा जाता है जैसे कि ये एग्जाम्पल है ये एक लाइन है ए बी और एक दूसरी लाइन सी डी इसको इस पॉइंट पे पॉइंट ओ पे इसको क्रॉस कर रही है काट रही है तो इट मीन्स ये दोनों लाइनें आपस में नन पेरेल है इसी तरह ये एक और एग्जाम्पल है ए बी एक लाइन है जो कि इस पॉइंट पे पॉइंट ई e पे सी डी को काट रही है तो ये नन पेरेल लाइन की एग्जाम्पल है बुक पेज नंबर 104 जीरो यहाँ पर भी आपको क्लियरली समझाया गया है कि पेरल लाइंस और नॉन किसे कहते हैं तो सेट ए में जो ए बी और सी डी लाइन है वो पॉइंट वाई पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है यानी एक दूसरे को uh, काट रही हैं तो इट मींस कि ये नॉन पेरे है जबकि ये सेट बी जो है ये ए बी लाइन है और ये सी और डी लाइन है ठीक है और इसमें यहाँ पे ये तीन पॉइंट्स uh, किए हैं आपसे आपको बताया गया है कि भाई Z से Z तक की लेंथ कितनी है फिर Y से Y तक लेंथ कितनी है और X से X तक तो ये बिल्कुल सेम लेंथ काउंट होगी ठीक है तो ऐसी दो लाइनें पैरल लाइंस होती हैं। अब हम बुक पे करेंगे एक्सरसाइज नंबर सेवन आपने बताना है कि कौन सी लाइंस पैरल हैं और कौन सी लाइन नॉन पैरल सो so, नंबर वन ओके okay, क्वेश्चन पढ़ते हैं आइडेंटिफाई पैरल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी नॉन पैरल को क्या बोलते हैं इंटरसेक्टिंग फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइन ओके नंबर वन जो है ये पैरल है यस दीज आर पैरल ठीक है क्योंकि ये कहीं पर भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही तो इसके साथ आपने लिखना है पी ओके नंबर टू आर दीज पैरल नो दीज आर नॉट पैरल पेरल नहीं है ठीक है क्योंकि अगर इस लाइन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी और इसको भी तो ये दोनों इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है इसके साथ आपने आई लिखना है इसी तरह ये पैरेलल ये भी पैरेलल है ठीक है और नंबर थ्री पे जो हमारे पास है ये पैरेलल है या नहीं है ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो आपने ये सारा क्वेश्चन इसी तरह मालूम करना है कि पैरेलल लाइंस कौन सी है और इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी है ठीक है स्टूडेंट्स नो द नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल एंगल के बारे में आप मिड uh, टर्म में भी uh, पढ़ चुके हैं तो उसको हम जस्ट एज क्विक करेंगे। फोकस है डेफिनेशन सेम फोर्टीन वन टू थाउजेंड एंगल किसे कहते हैं एंड एंगल टू आर्म्स एंड वन वर्टेक्स। इट मयर्स इन डिग्रीज एंगल जो है उसके दो बाजू होते हैं और एक वर्टेक्स ये ए बी एक लाइन है और ए सी एक लाइन है ठीक है तो ये दो लाइन जो है ये पॉइंट ए पर यानी इनका कॉमन पॉइंट क्या है ए जिसको वर्टेक्स बोलते हैं क्या बोलते हैं यानी जो पॉइंट इनका सेम होता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं तो एंगल का एक पॉइंट वर्टेक्स होता है और दो आम होते हैं ठीक है अब टाइप्स ऑफ एंगल कौन कौन सी हैं और Uh, कौन कितने डिग्री की होती है और ये मयर होती है डिग्री में यानी आप प्रोट्रैक्टर की मदद से इसको मयर करते हैं कि ये कितने डिग्री की uh, का एंगल है ठीक है तो उसमें हमारे पास आ जाती है सिक्स टाइप्स ऑफ एंगल्स ठीक है टोटल कितने टाइप्स है सिक्स टाइप्स नंबर वन इज एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल किसे कहते हैं लेस देन नाइन्टी डिग्री यानी जिसको हम मयर करें और वो नाइन्टी से कम आए तो उसको एक्यूट एंगल कहते हैं नंबर टू राइट एंगल राइट एंगल इज एग्जैक्ट इक्वल्स टू 90 डिग्री यानी yani 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो राइट right एंगल होता है राइट right एंगल में 90 से कम ज्यादा हो हो नहीं सकता ठीक है तो इसीलिए सिर्फ 90 डिग्री वाला राइट right एंगल होगा अब ऑप्टूस एंगल अब 90 से ज्यादा होगा तो उसको हम फिर ऑप्टूस एंगल कहेंगे बट लेस देन 180 डिग्री यानी yani 180 से कम और 90 से ज्यादा पहले 90 से कम था फिर 90, फिर 90 से ज्यादा और 180 से कम तो ये ऑप एंगल हो गया नंबर फोर पे हमारे पास है स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल यानी पूरी एक लाइन ठीक है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक पॉइंट uh, ड्रॉ किया ठीक है यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के आपने ये ओके अगर मैं इस लाइन पे ड्रॉ करूंगी तो ये 90 होगा लेकिन अगर मैं आगे लेके जाऊंगी और 90 इधर आ जाए तो फिर ये स्ट्रेट लाइन की तरह जो होता है उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं यानी बिल्कुल सीधी लाइन हो उसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 अब 180 से ज्यादा बट लेस देन 360 तो 360 से कम और 180 से ज्यादा उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल एंड द लास्ट वन इज कंप्लीट एंगल एग्जैक्ट 360 एग्जैक्ट 360 का जो एंगल होगा उसे हम कंप्लीट एंगल कहेंगे यूजुअली हम ये फर्स्ट एंगल्स ही यूज करते हैं यानी यही एक्चुअल में एंगल्स हैं, तो इसी को ज्यादा डिस्कस किया जाता है और यही ड्रॉ किए जाते हैं ओके ओके स्टूडेंट्स आपने तमाम डेफिनेशन जितनी भी मैंने ज्योमेट्री के स्टार्ट से अब तक करवाई है वो नीट अपने कॉपियों में राइट करना है और इसको आपने याद भी करना है क्योंकि ये फाइनल टर्म इंक्लूड है और ये आपसे जुबानी सुना जाएगा ठीक है बुक पेज नंबर 115 पे हम करेंगे बुक एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 11 ठीक है यानी एंगल्स और उसकी डेफिनेशन और उसकी टाइप्स आपको मालूम हो गई है अब एक एंगल को हम ड्रॉ कैसे करते हैं लुक एट द प्रोटेक्टर्स एंड राइट डाउन द एंगल्स दे शो आपने इस एक्सरसाइज में क्या करना है कि प्रोट्रैक्टर भी यहाँ पे ड्रा हुआ है और ये आपने जस्ट एंगल बताना है कि वो कितने डिग्री का है तो फर्स्ट आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि जो डी का ये जो पॉइंट होता है ये बिल्कुल जो लाइन जहाँ पे फर्स्ट ए बी लाइन जहां खत्म होती है उसी के ऊपर आना चाहिए उसके बाद आपने देखना है कि अगर जो एंगल है वो मेरा क्लॉकवाइज बन रहा है ठीक है तो मैं फिर ऊपर वाली डिग्रीज़ यूज़ करूंगी लेकिन अगर ये दूसरी लाइन नीचे वाली लाइन जो है वो इस साइड पे है और मेरा एंगल एंटी क्लॉक बनेगा तो फिर मैं नीचे वाली डिग्रीज़ यूज़ करूँगी तो so फर्स्ट में हम ऊपर वाली डिग्रीज़ यूज़ करेंगे और मालूम करेंगे कि ये कितनी डिग्री का एंगल है स्टार्ट फ्रॉम जीरो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी अब 50 और 60 के दरमियान में ये लाइन है यानी 5 पर ठीक है तो 50 के साथ आप 5 प्लस करें आएगा 55. तो ये कितने डिग्री का बन गया 55 डिग्री का एंगल ठीक है एबीसी हमारा 55 डिग्री का एंगल है अब नंबर टू को देखें, सेम हम क्लॉकवाइज ही एंगल ड्रॉ करेंगे आई एच और जी आपने सेम इसी तरह प्रोटेक्टर रखना है इस पॉइंट के साथ ठीक है अब यहां से काउंट करना है जीरो टेन और टेन और ट्वेंटी के दरमियान ये लाइन है यानी बिल्कुल फाइव पर है ठीक है तो टेन प्लस फाइव ये कितना हो गया फिफ्टीन डिग्री ठीक है तो ये आपका है फिफ्टीन डिग्री का अब हम आते हैं थर्ड वन पर okay, अब हमारा जो प्रोटेक्टर है वो एंटी क्लॉक वाइज की तरफ पड़ा हुआ यानी जो नीचे वाली लाइन है वो ई से जी तक ये इस साइड पर है तो हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे ये नीचे वाली लाइंस की ठीक है तो जीरो से काउंट करें टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी, एटी तो ये कितने डिग्री का बन गया एटी डिग्री का एंगल है ये एंड द फोर्थ वन इज ओके अब अगेन ये हमारे पास है क्लॉकवाइज टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी नाइन्टी नाइन्टी से एटी भी है और एटी के बाद लाइन्स हैं तो आपने काउंट करना है कि यहाँ पर कितनी लाइन्स हैं ठीक है ये हमारा काउंट होता है हंड्रेड वो हंड्रेड वन एंड वन हंड्रेड टू तो ये हमारा, तो हमारा एंगल बन गया वन हंड्रेड टू डिग्री का ठीक है स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये प्रोटेक्टर यूज करना आ चुका होगा ओके okay, सो so आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर टू एक्सरसाइज नंबर सेवन और एक्सरसाइज नंबर इलेवन सॉल्व की है ठीक है जिसमें कुछ बुक्स पर और कुछ नोटबुक पर तो यहाँ तक हम अपना लेक्चर आज का एंड करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह करेंगे एक्सरसाइज नंबर थर्टीन एंड टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़